आइए जानते हैं सचिंद्रनाथ सान्याल जी के बारे में। सचिंद्रनाथ सान्याल वे क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को बौद्धिक नेतृत्व प्रदान किया। उनका मानना था कि विशिष्ट दार्शनिक सिद्धांत के बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। यही कारण था कि भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी भी सचिंद्रनाथ सान्याल को अपना आदर्श मानते थे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने वाराणसी को क्रांतिकारियों का सेंटर बना दिया था। उन्होंने देश भर के युवा क्रांतिकारियों को वाराणसी बुलाकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। बाद में इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड में सरकारी खजाना लूटने का काम किया। काकोरी ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने माउजर का इस्तेमाल किया गया था। माउजर उस समय के हिसाब से अत्याधुनिक हथियार था जो केवल जर्मनी में ही मिल सकता था। इसे भारत में लाने का मास्टर प्लान सचिंद्रनाथ सान्याल का था। इसके लिए सान्याल ने वाराणसी में चुनार से लेकर 80 घाट तक की तैराकी प्रतियोगिता करवाई। इस प्रतियोगिता में BHU के छात्र केशव चक्रवर्ती को पहला स्थान मिला। केशव को सान्याल ने जर्मनी में होने वाली तैराकी प्रतियोगिता के लिए भेजा। इसके साथ ही केशव को यह जिम्मा भी सौंपा गया कि भारत के लिए मेडल लाने के साथ साथ वे 50 अत्याधुनिक माउजर की खेप भारत लेकर आए। केशव ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इन्हीं हथियारों से काकोरी कांड को सफल बनाया गया था, लेकिन बाद में इसमें शामिल ज्यादातर क्रांतिकारी पकड़े गए। इसके बाद लखनऊ में काकोरी षड्यंत्र का केस चला और सान्याल को आजीवन काले पानी की सजा सुना दी गई। उनके छोटे भाई भूपेंद्र को 5 साल और मन्मथनाथ को 14 साल की सजा हुई। जय